गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे चेंजेस डिस्कस करने वाला हूं जो कि जीएसटी के अंदर किए गए हैं मई और जून के महीने में। उन सारे चेंजेस को एक वीडियो के अंदर समराइज्ड फॉर्म में आपके लिए आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस जीएसटी के अंदर किया गया है मई और जून के महीने में। बेसिकली जो लॉकडाउन पीरियड था उसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए। सबसे पहला है GSTR 3B फाइलिंग फ्रॉम जुलाई 17 टू जनवरी 20 विदाउट लेट फीस बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। यानी कि अगर आपकी GSTR 3B अभी भी पेंडिंग है कौन से पीरियड की, जुलाई 17 जब GST लगा था तब से लेके जनवरी 2020 यानी कि कोविड से पहले वाली रिटर्न जितनी भी है उन सबको फाइलिंग करने के लिए एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसके ऊपर लेट फीस नहीं लगेगा अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसके ऊपर 500 रुपए का रिड्यूस लेट फी लगेगा। और इसकी फाइलिंग कब से होगी, फाइलिंग होगी 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020। दूसरा जो चेंज है वो है GSTR 4 जो फाइल करना है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो कि 30 अप्रैल 2020 तक जाना था, उसे अब फाइलिंग करना है 15 जुलाई 2020 तक। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है और सबसे बड़े अपडेट है जो कि आपको समझना जरूरी है। इसी वजह से जीएसटी प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो है इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के ऑर्गेनाइज किया है 5 जुलाई 2020। इसके अंदर जो कवरेज है वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 4 जो फाइलिंग होनी है और ये एनुअली फाइल होनी है, ये क्वार्टरली फाइल नहीं होनी है। ये 1 अप्रैल 19 से लेके 30 सितंबर 20 तक में पूरे साल को कवर करते हुए फाइल करी जाएगी। इसके अंदर लेट फीस लगेगा या नहीं लगेगा अगर आप लेट करते हैं, परचेज किस तरीके से शो होता है, रिवर्स चार्ज कैसे शो करना है इस एनुअल रिटर्न के अंदर। उसके बाद जो लिंकिंग ऑफ GST CMP 08 है जो अभी प्रेजेंटली फाइल कर रहे हैं क्वार्टरली हम लोग, उसका भी फिगर GSTR 4 के अंदर लिंक करना है, वो किस तरीके से होगा वो भी आपको बताया जाएगा। GSTR 3B जो जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 की फाइलिंग होनी है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि लेट फीस माफ करेंगे, किस कंडीशन के साथ माफ करेंगे वो चीज देखना है। इंटरेस्ट का माफी नहीं मिला है, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगना चाहिए, ITC का क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि डेट ऑलरेडी निकल चुकी है उसका क्या होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 5 जुलाई 2020 को 11 बजे से 2 बजे तक का ये सेशन जो है वो रखा गया है। तो पहले दो अपडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना बेहद जरूरी है। तीसरा है PMT 09 जो इनेबल किया गया है GST पोर्टल पे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन कैश लेजर। यानी कि अगर आपसे गलती से कैश का पेमेंट करते समय, चलान जमा करते समय आपने क्या करा, SGST का टैक्स था आपने CGST के टैक्स में डाल दिया या CGST का टैक्स था SGST के फीस में डाल दिया, तो किसी भी प्रकार की कोई गलती आपने कर दी हो आइदर मेजर हेड या फिर माइनर हेड, तो अब आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन एक फैसिलिटी आपको दे दी गई है PMT 09 के अंदर, आप उस फॉर्म को यूज करके एक हेड से दूसरे हेड में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं और उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट जो है वो है GST का ITC रेस्ट्रिक्शन जो रूल 36(4) के अंदर बताया गया है कि वैसे इनवॉइसेस जो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे उसका क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा 10% तक। अब यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है, ITC रेस्ट्रिक्शन जो 10% वाला था उसको फॉलो नहीं करना है, यानी कि 36(4) लागू नहीं होगा। कब तक, अगस्त 2020 की जो GSTR 3B आप फाइल करेंगे इस पीरियड तक, फरवरी 20 से लेके अगस्त 20 तक की GSTR 3B में आपको 10% वाला रेस्ट्रिक्शंस चेक नहीं करना है। सारे रेस्ट्रिक्शंस को इकट्ठा आप चेक करेंगे सितंबर 2020 की रिटर्न में, यानी कि जो सितंबर 2020 की रिटर्न है उसे चेक करने के लिए आपको यह देखना होगा कि 10% का इनवॉइसेस जो आपने फरवरी से लेकर अगस्त तक में क्लेम करा है वो सारा का सारा अपलोड हो गया है या नहीं। वही मैंने बताया है क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट इज सितंबर 2020, इज लिख दिया है यहाँ पर, होना चाहिए था इन, क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट इन सितंबर 2020, यानी कि इकट्ठा आपको सितंबर 20 में जो है वो ITC का एडजस्टमेंट
शो करना है। अगला है GSTR 3B फाइलिंग विद EVC कैन बी डन बाय द कंपनीज टिल 30 सितंबर 2020। ये एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। लेट सपोज कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और वो GST के अंदर भी रजिस्टर्ड है, तो सवाल ये आता था कि GST की रिटर्न फाइलिंग, चाहे वो GSTR 3B की फाइलिंग हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि EVC का ऑप्शन जो है वो नहीं रहता था, मैंडेटरी था उसके अंदर DSC लगा करके फाइल करना, तो उसको ऑप्शनल किया गया है और EVC का ऑप्शन जो है वो फाइलिंग के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक। अदर देन कंपनीज तो ऑलरेडी EVC के जरिए फाइलिंग अभी भी कर सकते हैं। और सिमिलरली GSTR 1 जो है उसकी भी फाइलिंग EVC के थ्रू हो सकती है 30 सितंबर 2020 तक, इसका भी परमिशन दे दिया गया है कंपनीज को। तो अब 3B और GSTR 1 के लिए आपको DSC की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर फाइलिंग 30 सितंबर 2020 तक कर देते हैं। ई वे बिल की जो वैलिडिटी है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 30 जून 2020 तक, यानी कि जो 30 जून आने वाला है उस दिन तक सारे ई वे बिल्स वैलिड होंगे। कौन से वाले, जो कि जनरेट किए गए हैं 24 मार्च 2020 या उसके बाद, 24 मार्च 2020 या उसके बाद जो भी ई वे बिल्स जनरेट किए गए होंगे जिसकी एक्सपायरी 20 मार्च या उसके बाद एक्सपायर हो रही होगी, वैलिडिटी एक्सपायर हो रही होगी, उन सब की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है अप टिल 30 जून 2020 तक, तो वो वैलिड रहेंगे उस दिन तक। उसके बाद अगर वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ई वे बिल्स की वैलिडिटी जो है इंक्रीज करी गई है, तो आप अपना मूवमेंट जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। कंडीशनल वेवर ऑफ लेट फीस एंड रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट गिवेन इन GSTR 3B फॉर फेब्रुवरी 20 टू मे 20, फेब्रुवरी 20, मार्च 20, अप्रैल 20 एंड मई 2020 की जो GSTR 3B जानी है, इन महीनों के लिए कंडीशनल वेवर दिया गया है लेट फीस तक। क्या है कंडीशनल वेवर, कौन से दिन कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, जैसा कि आज 24 जून 2020 है, आज का दिन महत्वपूर्ण किन के लिए है, आज का दिन महत्वपूर्ण है वैसे लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और फरवरी मार्च और अप्रैल महीने की रिटर्न अभी तक उन्होंने फाइल नहीं करी है, आज के बाद फाइल करेंगे तो उसके ऊपर लेट फीस लगेगा, और लेट फीस कब से लगेगा, ओरिजिनल ड्यू डेट से, और इंटरेस्ट भी लगेगा ओरिजिनल ड्यू डेट से एट द रेट ऑफ 18%। तो आपको ये समझना अब जरूरी है कि कंडीशनल वेवर का बेनिफिट लेने के लिए जो स्टैगर्ड डेट्स दिए गए हैं उस दिन तक आप रिटर्न फाइलिंग कर लें। क्या है डेट्स, पूरी जानकारी मैंने सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करी है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के उसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए है बेस्ड ऑन योर टर्नओवर। ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं। इसी से रिलेटेड कुछ जो जजमेंट्स आए हैं मैं आपको एक समरी बता दूं, जो ट्रेन 1 का ऑप्शन हमें खुलने वाला था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि ट्रेन 1 खोलना चाहिए, जिनकी फाइलिंग नहीं हुई है बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, बट लिमिटेशन पीरियड तक अलाउ करना चाहिए, उस चीज को लेकर के जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो वहां पर स्टे लग चुका है। अब यहां पर हमें वेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर का, क्या होता है, उसे ओपन किया जाता है या नहीं किया जाता है। सिमिलरली कुछ एडवांस रूलिंग की जजमेंट्स आई हैं, जैसे कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू करा था, अगर आपने वो क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दिया गया है जीएसटी अपडेट के अंदर। और उसके बाद जो एडवांस रूलिंग्स निकल के आ रही हैं, काफी कंट्रोवर्शियल एडवांस रूलिंग निकल के आई हैं, जैसे कि सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स, अगर आप किसी लैंड के पीस को डेवलप करके एज अ प्लॉट बेचते हो उसके ऊपर भी जीएसटी लगने की बात जो है एक अथॉरिटी ने कर दी है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जीएसटी से रिलेटेड मई और जून महीने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चेंजेस समझ आ गए होंगे, हालांकि ये क्विक रिवीजन था, इसकी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, लेकिन काफी लोगों का सवाल आ रहा था कि सर इतने सारे चेंजेस हैं एक साथ सारे चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो रीसेंट चेंजेस किए गए हैं, मेजर चेंजेस किए गए हैं, वो क्या हैं और किन के लिए बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।